खाने कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपके सामने हूँ। और ये सुबह का आगाज़ करते हैं, सुबह हो रही है हमारी, अभी टाइम हो रहे हैं 10:15 का टाइम हो रहा है। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग, न्यू व्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं। चलिए देखते हैं हमारी घर की रूटीन क्या है, वो आपसे मैं शेयर करती हूँ वन बाय वन करके। ये लौकी और बच्चों के लिए मैं ना पिज़्ज़ा फ्राइज बनाऊँगी, आलू काटूँगी और ये लौकी बना रही हूँ। पिज़्ज़ा फ्राइज भी आपसे शेयर करूँगी किस तरह बनेगा घर में और लौकी भी। बिरयानी का भी मैंने बताया था अंदर तक तो ना मसाला उसका पहुंच जाता है, इसलिए ये आलू में भी अच्छी तरह ना मिक्स हो। हमारे पास तीन छोटी छोटी बेबीज थी या ना लौकी थी, या हमने कटिंग कर ली है, फिर इसके साथ हमने दही लिया है, इसमें शामिल करेंगे अभी पकाते वक्त। और आपको बता दूँ मैं, लाल पिसी हुई मिर्च लेंगे हम 1 टेबल स्पून, नमक हसबे जायका, ये है ज़ीरा हमारे पास 1 टेबल स्पून भर के ले लें, आप ताकि ज़ीरा ही से ही जायका आता है लौकी में, ठीक है। फिर ये हल्दी है और ये कलौंजी, कलौंजी है ना डालनी चाहिए, हर खाने में डालना चाहिए, कलौंजी ही है ना हमारी बीमारियों का इलाज है, कलौंजी बहुत फ़ायदेमंद है। मैं तो कहती हूँ हर खाने में आप शामिल करें कलौंजी अपने। चने में स्टार्ट करती हूँ, हमने तेल डाला था आपके सामने, फिर उसके बाद हम ज़ीरा डाल देंगे, ज़ीरा अच्छी तरह कड़कड़ा जाए, फिर इसी के साथ हम ये कलौंजी डाल देंगे जो मैंने आपको दिखाया था, कलौंजी को भी अच्छे से करेंगे, जो सारे मसाले हैं ये डाल देंगे हम, फिर इसी तरह हम लौकी डाल देंगे। अच्छी तरह ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। इसी के साथ ये हमारा मसाला है बना हुआ, ये हम इसमें डालेंगे, ये फ्राइज मसाला भी मैं घर में ही बनाती हूँ, इस तरह बना लिया करें आप, चाट मसाला आप डाल दें, ऐड कर दें इसमें, ये है शान का। ऐड करेंगे क्या क्या है, ये मैंने घर में ही बनाया है पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस के लिए हम लोग केचप लेंगे, केचप में अदरक लहसुन डालेंगे थोड़ा सा और पुदीने मिर्च डालेंगे, साथ ही मैंने मोज़रेला चीज़ लिए और चेडर चीज़ लिए और ये सॉस लिए है, ठीक है। मायोनीज डाल देंगे इसमें, ये सॉस है मेरे पास, सॉस डाल दूंगी मैं, चेटर और मोज़रेला चीज़ें इसके ऊपर हम डाल देंगे।
और इसी के ऊपर हम फ्राइज़ डाल देंगे। ये हमारे जो बने हुए हैं, बाकी जो मैंने बचा लिए थे फ्राइज, ये मैं ऐड कर दूंगी इसमें। ये हमारे ना पिज़्ज़ा फ्राई हैं, माइक्रो में रखेंगे हम इसे ओनली 1 मिनट रखना है।